अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप सारे अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग एनी एग्जामिनेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्कॉलरशिप निकला है थ्रू JK SSS, ठीक है, या और में स्कॉलरशिप है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि इसका फॉर्म भर लेना, आपको कैसे भरना है। इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत मतलब कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे मैं आपको सारे कन्फ्यूजन दूर करूँगा, ठीक है। आपको इसमें कॉलेज कौन कौन सा मिलेगा, ठीक है, कोर्स कौन कौन सा मिलेगा और इसका लास्ट डेट कब रहेगा आपका, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। फिर भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सारा कुछ, आपको सारा कुछ क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सारा देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देख लेना, ठीक है। देखो पहले अगर मैं आपको अगर मैं इसकी बात करूं लास्ट डेट की, इस फॉर्म की, ठीक है, आपको ऑफलाइन फिल करना है। मैंने आपको बताया है कि मैंने उसका PDF भी आपको दिया है कैसे फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो डेट है वो 10 दिन एक्सटेंड हो गया, जो डेट रहा इसका अब 20 जुलाई तक आपका रहेगा, ठीक है। अब इस पर आप डिपेंड नहीं करना कि अब इसका जो डेट है वो 20 जुलाई तक है, ठीक है। मतलब जैसे ही इनको सीट्स फिल हो जाएंगी, फिर उसके बाद ये किस काम का है, मतलब एक्सटेंशन अपडेट्स। देखो आप जल्दी फिल कर लेना फॉर्म, ज़रूर कर लेना, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, ठीक है, दो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दूंगा, एक पे मतलब किसी पे भी आप कॉल कर लेना, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या प्रोसीजर करना है, आपको क्या करना है फॉर्म फिल करने के बाद, ठीक है। देखो उसके बाद अगर मैं फ़ी की बात करूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे कि फ़ी कितना है, मैंने आपको पहले ही बोला फ़ी आपको रहेगा 40 to 80K, ठीक है, 40 to 80K। या आपको एडमिशन के टाइम फ़ी पहले ही सीट मतलब जब आपको सीट मिलने से पहले आपको ये फ़ी पे करना है। जब आप फ़ी पे करोगे तो आपकी जो सीट है ना वो बुक होती है, ठीक है, फिर आपको कोई कुछ नहीं करेगा। और जो आपका टेस्ट है, मैंने आपको बोला है 30 जुलाई आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। ये टेस्ट आपको फॉर्मेलिटी के लिए देना है। आपको अगर मतलब ये जो इसमें सिलेबस लगेगा आपको वहाँ पे होगा सिलेबस, ये जनरल सिलेबस होगा, ठीक है, जनरलाइज सिलेबस होगा। तो अगर आप उसमें फेल भी हो जाओगे कोई मसला नहीं, जो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी वो ऑन द बेस ऑफ 12th मार्क्स बेस्ड हो जाएगी, ठीक है। और जब आप फ़ी भरोगे, अपनी सीट बुक करोगे, तो उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि इसके थ्रू कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके थ्रू हो सकता है BTech, MTech हो सकता है, ठीक है, MBA, BSc हॉस्टल मैनेजमेंट, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर हो सकता है। मैंने कुछ कोर्सेज में नहीं बोला था पिछले वीडियो में, आज की इस वीडियो में सारी कोर्सेज मैंने लाए, ठीक है, BSc, ठीक है, MSc OT या BSc OT या MSc OT दोनों होते हैं, ठीक है, या BSc MSc MLT। देखो ये मतलब बहुत अच्छे कोर्सेज है, ठीक है, BSc या MSc रेडियोलॉजी। देखो रेडियोलॉजी बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स, ये कर लेना जरूर, ठीक है, अगर कोई करेगा। बी फार्मेसी दैट्स बेस्ट कोर्स, एम फार्मेसी होता है, और BSc कार्डियोलॉजी भी होती है। उसमें मेरा फ्रेंड है वो कार्डियोलॉजी इसके थ्रू करता है, ठीक है, उसी ने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दी। तो ये आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिसको मतलब जेके बोपी में अगर सिलेक्शन नहीं होगी तो इसके थ्रू जरूर कर लेना। अगर किसी को जेके बोपी के थ्रू हो जाता है तो वो यही कर लेना, मतलब वही उसी के थ्रू करना। अगर नहीं हो गया किसी को तो इसी के थ्रू कर लेना, ठीक है। देखो इसमें कौन कौन सा कोर्स बेस्ट है, अच्छा है। देखो पहला है BSc रेडियोलॉजी। आजकल मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम BSc रेडियोलॉजी करेंगे, ठीक है, वो तो अगर आप भी चाहोगे तो इट्स बेस्ट कोर्स। उसके बाद बी फार्मेसी, दिस इज ऑल्सो ए बेस्ट कोर्स, ठीक है। उसके बाद BSc MLT करते हैं, ठीक है, या BSc एग्रीकल्चर, ठीक है, जो कि स्कॉस्ट के थ्रू हो जाता है। अगर किसी को स्कॉस्ट के थ्रू सिलेक्शन नहीं होती एग्रीकल्चर में तो इसी के थ्रू कर लेना, ठीक है। इसमें आपको जो फी मैंने आपको बोला है 40 to 80K, ठीक है, या आपको फुल कोर्स में भरना है, ठीक है, फुल कोर्स में भरना है। आपको ईयरली नहीं भरना है बल्कि आपको फुल कोर्स में भरना है, ठीक है। जो आपका कोर्स है चाहे वो 2 साल का रहेगा या 3 साल का या 4 साल का, ठीक है, मतलब आपको एक ही टाइम कितना पे करना है 40 to 80K, ठीक है। ये डिफरेंट कॉलेज में आपको मिलेगा वहाँ पे, यहाँ पे देखो। उसके बाद जो आपका हॉस्टल होता है, ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, ठीक है। हॉस्टल जो भी मेस है, मतलब वहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा वहाँ पे फ्री, जैसे कि बिस्तर है, मतलब जो भी वहाँ पे सोने का बिस्तर है, मतलब जो भी वहाँ पे होगा ना अवेलेबल आपके लिए, आपको जो ज़रूरत होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको बस इतना फ़ी पे करना है 40 to 80K फुल कोर्स के लिए। फिर चाहे वहाँ पे आपको जितना भी ज़रूरत लगेगा, खाना पीना, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मेरा फ्रेंड वहाँ पे पढ़ता है, उसने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसीलिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ। आपकी मतलब मैंने सोचा कि कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि जिसको ना तो इसके थ्रू हो जाएगी सिलेक्शन कॉस्ट के थ्रू, ना तो उसको JK BOP के थ्रू सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ज़रूरी है, मैंने सोचा उसको थोड़ा सा मदद मिलेगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है, ये ज़रूर कर लेना। देखो अब जो आपका फॉर्म होगा, अब फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, फिल करने के बाद आपको ऑफलाइन ही फिल करना है। मैंने उसका PDF ऑलरेडी दिया है, फिर भी मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको PDF दूंगा। वो फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आप कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, कॉन्टैक्ट करना नंबर को, मैं आपको यहाँ पे भी नंबर लिख के दूंगा, ठीक है, या तो इस पर करना 6005503A2, ये मेरा नंबर है, या तो इस पर आप कर लेना, और जो मेरा फ्रेंड वहाँ पर पढ़ता है या तो उसको कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, उसका नंबर है
4513, ठीक है। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, फिर हम आपको बोलेंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ यहाँ पे देखो, और आपको क्या क्या करना है, देखो आपको पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, ठीक। आपको जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है, एक तो 10th+12th मार्क्स कार्ड आपको वहाँ पे लगेगा, ठीक है। डोमिसाइल जिसको होगी वो कर लेना, इनकम जो है वो 1 लाख से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट बना लेना, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनाने है आपको, मतलब पुलिस से थाने में वो आपको बना देंगे, ठीक है, वहाँ पर बना के लाना, ठीक। उसके बाद आपका नेम, उसके बाद परसेंटेज, ठीक है, पेरेंटेज, एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कोर्स जो आप करना चाहते हैं वो हमसे, मतलब वो आपको हमें बताना है, ठीक है, हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, करने वाले हैं, या जो कोर्स आपको करना है वो बता देना, ठीक है। उसके बाद कॉलेज नेम, किस कॉलेज में आप करना चाहते हैं, मैंने नीचे दिए हैं कॉलेजेस, ठीक है, ये आप देख लो पहले। देखो पहले संस्कृत यूनिवर्सिटी, यहाँ मेरा फ्रेंड पढ़ रहे हैं, वहाँ पर BSc कार्डियोलॉजी करते हैं, और उसको भरना पड़ा 65,000, ठीक है, उसको 65,000 फुल कोर्स के लिए भरना पड़ा, और इस साल सेकंड ईयर में है, ठीक है। ये यूपी में है, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है यूपी में। उसके बाद मेवाड़ यूनिवर्सिटी आपको राजस्थान में मिलेगी, उसके बाद अर्नी यूनिवर्सिटी ये हरियाणा में है, उसके बाद सिवेट कॉलेज ये पंजाब में है, उसके बाद GNI कॉलेज अम्बाला ये भी पंजाब में है, उसके बाद और एक कॉलेज है डेट्स सेंट सोलिजर कॉलेज, ये भी पंजाब में है, ठीक है। ये कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आप ये कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, काम आप फिल जब करोगे फॉर्म, उसके बाद हमें आप अपने एड्रेस दोगे, मतलब जो भी मैंने ऊपर बोला जो आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरत है ये आप देना हमें, ठीक है। उसके बाद आप कॉलेज भी चॉइस कर लेना कहाँ पर आप कर सकते हैं, मैंने आपको बोला किस कौन सा कॉलेज कहाँ पर है, कहाँ पर आपको मिलेगा, ये ज़रूर हमसे हमारे साथ शेयर कर लेना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है, या आप बता ना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप बता सकते हैं या नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।